सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो फाइनली यार क्लास 10th की अगर बात करें तो उन लोगों को अपने रिजल्ट के लेकर के जो परेशानी थी, टेंशन था, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला होगा और तुम्हें बहुत जल्द अपना रिजल्ट देखने वाला होगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिगेस्ट न्यूज़ बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारा रिजल्ट जो है बहुत जल्द तुम्हें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात यार, एक जो हमें अभी पता चल रहा है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ये हम कैसे बता रहे हैं, ये सारी बातें तुम्हें पता चल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि तुम्हें पता ही है जो क्लास 10th का सीबीएसई का जो रिजल्ट क्यों नहीं आया था, उसके पीछे जो रीजन आया था ऑफिशियली सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो ये कहा गया था कि 35,000 बच्चे ऐसे थे जिनका रिजल्ट यानी कि जिनके मार्क्स जो है वो गलत अपलोड किया गया था स्कूल के तरफ से। और सीबीएसई अपना इमेज खराब नहीं करना चाहती है, इसके वजह से सीबीएसई ने स्कूल वालों को कहा था भाई आप फिर से मार्क्स अपलोड करिए और उसके बाद इस बार सही मार्क्स अपलोड करिए और उसके बाद जाकर रिजल्ट निकालेंगे। और बेसिकली यार दो ऑप्शन था सीबीएसई के पास, एक ये था कि उस 35,000 बच्चों को छोड़कर बाकी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दे, या फिर दूसरा था कि भाई सभी का एक साथ डिक्लेयर करे। तो ऑब्वियस बात है, सोचो कि जस्ट थिंक भाई अगर तुम उस 35,000 में से अगर लाइक करते तो तुम्हें कितना बेकार लगता यार कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। यही चीज सोच के सीबीएसई ने ये सोचा कि भाई हम सबका रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करेंगे। इसलिए बच्चों जो स्कूल वालों को जो टाइम दिया गया था वो 25 जुलाई लास्ट डेट दिया गया था, लास्ट डेट था 25 जुलाई, कि 25 जुलाई तक आपको जो है इन 35,000 बच्चों के मार्क्स को सही से अपलोड कर देना है। तो बेसिकली आज जो है वो लास्ट डेट है। और ऑब्वियसली बात, एक और बात सोचो कि देखो 35,000 बच्चे सिर्फ एक स्कूल या दो स्कूल के तो नहीं है, 35,000 बच्चे जो है वो मल्टीपल स्कूल के होंगे, बहुत सारे स्कूल के होंगे। तो और ऊपर से कि जब सीबीएसई की तरफ से ऐसी बातें आई थी तो स्कूल वालों के ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो स्कूल वालों ने आइदर अपना काम तो खत्म कर लिया होगा या फिर आज तो फाइनल लास्ट डेट है ही है, हो सकता है कि आज सुबह भी खत्म कर ले। तो इन सब की वजह से अगर ये प्रॉब्लम हट जाती है तो बोर्ड चाहेगी कि बस जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था 10th का रिजल्ट को डिक्लेयर करने को लेकर के, भाई 20 जुलाई को करना है वो भी लेट हो चुका है। सीबीएसई के ऊपर कितना प्रेशर हमें इसी बात से समझ में आ सकता है कि भाई वो अपना जो गेजेटेड हॉलीडेज है उस दिन भी वो काम कर रही है, ठीक है। सो बेसिकली यार ऐसा हो सकता है कि अगर जो 35,000 बच्चों का अगर मार्क्स ऐसे अपलोड हो गया होगा, आज शाम तक तुम्हें अपना रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, तुम्हें अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर इन केस अगर आज नहीं होता है, देखो आज हाई चांसेस है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली या तो काफी स्कूलों ने कल ही तक जो है वो मार्क्स अपलोड कर दिया होगा, काफी स्कूल आज जो है वो मॉर्निंग तक मार्क्स अपलोड करेंगे। तो बेसिकली अगर सब चीज मैनेज हो जाएगा तो आज शाम तक तुम्हें मार्क्स अपने रिजल्ट जो अपने देखने को तुम्हें मिल सकता है। और इन केस आज नहीं होता है तो कल तो बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा, कल जो 26 जुलाई को रिजल्ट आने के 10th क्लास का सीबीएसई का बोर्ड के रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा, क्योंकि कोई भी रीजन ही नहीं बचता जिसकी वजह से आप जो है रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे। क्योंकि आपने जो ऑफिशियली जो सीबीएसई ने ऑफिशियली जो बताया था भाई 35,000 बच्चों के वजह से जो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं है वो तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। आज लास्ट डेट है, अगर आज अगर हमारा आज लास्ट डेट है तो आज तक सारे स्कूल वाले कर लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कल जो है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा हाई चांस रहेगा, कल तो 100% आना ही चाहिए हमारे हिसाब से, कोई कुछ लॉजिक बचता ही नहीं जिसकी वजह से रिजल्ट ना डिक्लेयर किया जाए। लेकिन हो सकता है कि सीबीएसई सोचे भाई आज 25 जुलाई है, संडे का दिन है, सोचे कि आज ही डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आज तभी डिक्लेयर हो सकेगा जब अगर मार्क्स सब कुछ अपलोड हो गया होगा तो, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें कि टाइम की कितने बजे डिक्लेयर हो सकता है रिजल्ट, तो पिछली बार सीबीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 3 बजे हुआ था 15 जुलाई को, तो इस बार भी तुम्हें अपना रिजल्ट जो है वो 3 बजे के आसपास देखने को मिल सकता है। और एक और भी बात याद रखनी है हमें कि कल जो है हमारा आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया था और वो भी 3 बजे ही आया था, तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि रिजल्ट होगा वो 3 बजे आने को तुम्हें देख सकता है। और इसके लिए यार, इसके लिए देखो हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ 2:30 बजे से जो है वो लाइव रहेंगे, ताकि जैसे रिजल्ट आए हमें पता चल जाए, हम लोग जो है तुम्हें अपडेट दे दें और लाइव ही तुम्हारा रिजल्ट चेक करके बता दें, इसलिए उस लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन करना। अच्छा अब बात करते हैं कि रिजल्ट कैसा रहेगा, तो देखो यार आईसीएसई बोर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, बहुत बच्चों के भर भर के मार्क्स मिले हैं, काफी बच्चे खुश हैं, जितने से मेरी बातें हुई है सारे बच्चे बता रहे हैं भैया बहुत अच्छे मार्क्स मिला है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो सीबीएसई का जो रिजल्ट होगा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता आज तक कभी नहीं दिखा गया कि आईसीएसई बोर्ड का बहुत अच्छा रिजल्ट है और सीबीएसई का बहुत बुरा, तो ऐसा नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म कह सकता है कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और काफी भर भर के मार्क्स तुम्हें मिलेगा। और देखो मेरे ख्याल से कोई भी फेल नहीं होना चाहिए, सबके अच्छे ही मार्क्स मिलना चाहिए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि जो 70 सोचे उनको 80 मिले, जो 80 सोचे उनको 90 मिले,
पे, ठीक है, ऐसा मेरी चाह है। और सीबीएसई की तरफ से भी जो भी वो भी ट्राई करेंगे, उसके बारे में ट्राई करेंगे। तो यही सब चीजें हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। आई विश किया तुम सभी के बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो सारी बातें तुम्हें समय में आ गया है, या तो तुम्हें आज रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और अगर इनकेस आज नहीं देखने को मिलेगा तो कल जो है 26 जुलाई का बहुत ज्यादा हाई चांस है। 26 जुलाई को तुम्हारा रिजल्ट पक्का ही आना चाहिए। और ये देखो बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बोले भैया अगस्त में रिजल्ट आएगा या 12th का पहले आएगा बाद में आएगा। देखो हो कुछ भी सकता है, सीबीएसई है, अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलता है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। इसलिए यार कुछ भी बात जो ऑफिशियल ना हो तो उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो सारी बातें तुम्हें समझ में आ गया है। अरे भी हम लोग लाइव आएंगे तो मेक श्योर कि तुम लाइव सेशन में जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट आ जाए ताकि तुम्हें पता चल जाए, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन तुम में से जो भी नए बच्चे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे रिजल्ट आए तो तुम्हें सबसे जल्दी पता चले और आगे भी जो है तुम्हें वो तुम्हारे रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहे। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत।